रहा था, क्या कहना चाहेंगे सर किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर? और इस मामले में लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए, ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों। और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की, बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने? जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं, क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई? अच्छा महादेव, जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा है जाने कौन सा फैसला लिए ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। पहली जान नहीं गई है, इससे पहले बाराबंकी में हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आईं और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान नहीं बची, चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटना इस सरकार में हुई। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए, पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर, ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाने किसको नहीं बुलाना? अखिलेश जी एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा। जी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा। अखिलेश जी एजुकेशन पे बात नहीं हो रही, आप एक युवा नेता है और एजुकेटेड भी है खासकर देखा जाए, लेकिन जो एजुकेशन की बात होनी चाहिए इस यूपी में एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जहां तक रिलीजन की बात करें या और संबंधित बातें उसकी हो रही है, ऐसा क्यों? वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है, उनसे सवाल पूछो कुछ जवाब देते कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई, इंटरमीडिएट में देख लो बच्चों की संख्या कम हो गई, आईटीआई पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहां ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे, वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। पुलिस की भर्ती से पुलिस वो नहीं है, महादेव याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी, यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी है इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बढ़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती, और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन वो मिल जाती, जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती।